ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है लवफुल लॉफुल लॉ मेकर। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। अपने को लवफुल और लॉफुल दोनों ही समझते हो, जितना ही लवफुल उतना ही लॉफुल हो कि जब लवफुल बनते हो तो लॉफुल नहीं बन सकते हो, वा जब लॉफुल बनते हो तो लवफुल नहीं बन सकते हो। क्या दोनों ही साथ साथ एक ही समय कर्म में व स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जब तक लॉ और लव दोनों ही समान नहीं हुए हैं, तब तक कार्य में सदा सफलता मूर्त बन नहीं सकते। सफलता मूर्त व संपूर्ण मूर्त बनने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। लॉफुल अपने आप के लिए भी बनना होता है, ना सिर्फ दूसरों के लिए लॉफुल बनना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने प्रति लॉफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकता है। अगर स्वयं अपने प्रति कोई भी लॉ को ब्रेक करता है तो वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकता। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ? प्रातः से लेकर रात तक मनसा स्वरूप में अथवा कर्म में संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी किस प्रकार का लॉ ब्रेक तो नहीं किया? जो लॉ ब्रेकर होगा वह नई दुनिया का मेकर नहीं बन सकेगा, वह पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकेगा। तो अपने आप को देखो कि मैं न्यू वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर लॉ मेकर हूँ व लॉ ब्रेकर हूँ? जो स्वयं लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करता है तो क्या ऐसे को लॉ मेकर कहा जा सकता है? ईश्वरीय लाज व ईश्वरीय नियम क्या है वह सभी स्पष्ट जान गए हो व अभी जानना है? जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात चलना। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है, नॉलेजफुल पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है लेकिन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। एक ही समय तीनों अगर इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन होना चाहिए। संबंध में नहीं आते, डीप संपर्क में नहीं, ऊपर ऊपर के संपर्क में आते हैं। वह ऊपर का संपर्क अल्पकाल का रहता है। भले लव में लाते भी हो लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल हो, उन आत्माओं में भी पावर भरे जिससे वह
समस्याओं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे, वह नहीं होता। या तो नॉलेज पर अट्रैक्टिव होते हैं व लव पर होते हैं, ज्यादा लव पर होते हैं, सेकंड नंबर नॉलेज। लेकिन पावरफुल ऐसा हो जो कोई भी बात सामने आवे तो हिले नहीं, यह कमी अर्जुन है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उन्हों में भी नॉलेज ज्यादा है, लव भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खावेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार चावेंगे। जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें, जब पांच तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जावेंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखाई देगी। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 73। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे, और फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करें कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार में ही पहुंच गया है, और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करें कि वास्तव में यह ही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। किस समय कैसा वातावरण वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे, और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे, तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे, और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 29 अगस्त 75। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं।
सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं। लेकिन लवफुल पहले लव दो फिर लॉ दो। वे लव के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं। लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। ये आत्मा को तड़पाने वाले हैं। अर्थात जैसे कल्प पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे, मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। विज्ञान के युग में बाहरी चमक दमक वाले साधन तो बहुत हैं, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। अतएव अब समय लवफुल का नहीं बल्कि लवफुल बनने का है। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 75। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सके, सर्व बातों में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी अभी लवफुल और अभी अभी लॉफुल बन सके। अव्यक्त वाणी 25 जून 77। जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आँखों में मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली, मात्र भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी, संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो, लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हों। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानी करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है? चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह है ही ऐसे। सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक वहम भाव
रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 1979। अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय यह भोले भगवान के रूप में है। लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है, और क्या चाहिए। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 1991। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल, यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 1990। ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। ओम शांति।